दोस्तों बात करने वाले IRFC शेयर के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको बताया गया था कि IRFC के अंदर जल्दी फिर से मोमेंटम बनेगा, जैसा कि आप देखोगे अभी के टाइम हमें फिर से मोमेंटम देखने को मिल रहा है। देखिए बट मेन पॉइंट है कि जो हम मोमेंटम चाह रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे आरजेएल भागा, IRFC नहीं भाग रहा है। हिडकोन ने भी अपने लाइफ टाइम हाई क्रिएट की है एंड जैसा कि अभी के टाइम देखोगे 300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बट IRFC में इतना मोमेंटम नहीं बना है। देखिए तेजी आएगी भी या नहीं आएगी, क्योंकि देखो स्टॉक लार्ज कैप में जा चुका है। लार्ज कैप में आपको पता है जब स्टॉक को भगाया जाता है ना तो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट शो होता है। तो क्या IRFC में आगे तेजी आएगी, 250 का लेवल ब्रेक होगा, आपको पता है। हाल ही के अंदर ब्रोकरेज भी यहाँ पे बुलिश था, 265 रुपए के टारगेट IRFC के निकाल के दे रहे थे कि भाई 265 तक निकल जाएगा। एंड कई लोगों ने मैंने देखा कि भाई मेरे पास कमेंट भी देखने को मिले कि डिविडेंड कम मिलेगा। जैसा कि कंपनी ने Q4 के रिजल्ट में अनाउंसमेंट करी थी कि भाई डिविडेंड देंगे 70 पैसे का, वो कब तक खाते में आएगा? देखो उसकी रिकॉर्ड डेट नहीं आई अभी तक, रिकॉर्ड डेट डिविडेंड डेट होती है वो अभी तक नहीं आई है। आपको जो यहाँ पे डिविडेंड है दोस्तों वो क्वार्टर जो बना इसके रिजल्ट के बाद मिलता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे डिविडेंड डेफिनेटली मिलेगा, बट अभी थोड़ा टाइम लग सकता है। वही बात ऑफर्स की, तो ऑफर्स बजट में अनाउंसमेंट हो सकता है, बट ये बजट से पहले ही जहाँ तक लगता है आपका 250 का लेवल क्रॉस कर जाएगा। क्योंकि अभी के टाइम अगर देखोगे मध्य बजट से डर एक चीज का, बजट से डर एक चीज का भाई, वो भी बहुत बड़ा डर है। मार्केट 4 से 5 फीसदी तक गिर सकता है। अगर यहाँ पे दोस्तों कैपिटल गेन्स टैक्स लगा दिया गया, उसको बढ़ा दिया गया, पिछली बार जब 2010 के आसपास बढ़ाया गया था 10 फीसदी, उसमें मार्केट भाई कम से कम आपका 5 फीसदी गिरता हुआ नजर आया था। तो बहुत तो बड़ा डर है मार्केट को कि अगर कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ा तो आपके FI वाले जैसे कि पिछली बार सेलिंग करी थी उन्होंने, उसी प्रकार इस बार भी सेलिंग कर सकते हैं। मार्केट को जो रिटर्न देना चाह बजट का, मार्केट पहले ही दे चुका है। आपको पता है मार्केट इलेक्शन के टाइम पे कहाँ था एंड अभी किस लेवल पे आ चुका है। तो थोड़ा सावधानी से हमें काम लेना है बजट के बाद, ठीक है? तो पैसा अभी बन रहा है, बजट के बाद तो प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी। मेन पॉइंट बात करूँ मैं IRFC की, तो IRFC में भी दोस्तों अभी बजट को टाइम हो रहा है 12-13 दिन है, तो 12-13 दिन में IRFC अच्छा रिटर्न निकाल के देगा। एंड जो आपके पावर शेयर है यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह, ये भी चल चुके हैं। एंड रेलवे अगर देखोगे आपका हिडकोन भाग चुका है, आरबीएल भाग चुका है, अब बारी है भाई IRFC के। IRFC भी जल्दी आपको यहाँ पे कम से कम 30 से 35% का एक अच्छा मूवमेंट दिखेगा IRFC के अंदर। जैसे क्या डाटा देखा जाए आज का, तो मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग में अराउंड 20-25 पॉइंट मार्केट अभी के टाइम गिरावट में। वही अगर बात करें स्टॉक की, तो 209 रुपए के आज की हाई लगते हुए नजर आए, 201 रुपए का स्टॉक की आज की लो था। वही बात करूं मैं दोस्तों यहाँ पे बाउंड भी खाएगी तो बिल्कुल देख सकते हो करीब ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ से 4-5% का मूवमेंट बनता है तो इजिली स्टॉक हमें एक नए बाउंड भी खाए पे देखने को मिल सकता है। मेन पॉइंट ट्रांजेक्शन अभी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, वॉल्यूम है जो अच्छी है ऑलराउंड। आज भी देखोगी 10 करोड़ 38 लाख की बढ़िया वॉल्यूम है। एंड डिलीवरी का डाटा अगर बता दें दोस्तों तो ऑलराउंड 2125 करोड़ शेयर आज में यहाँ पे, सॉरी 21.25 लाख ऑलराउंड 21 करोड़ 25 लाख शेयर में वॉल्यूम में देखने को, सॉरी 21 करोड़ 25 लाख जो टोटल यहाँ पे अमाउंट है दोस्तों 2125 करोड़ का, उसके शेयर में आज ट्रेड होते हुए नजर आए। तो यहाँ पे देखो डाटा बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है। एंड जो डिलीवरी है वो 27-28 फीसदी की उठाई जा रही, मतलब डिमांड अभी है भाई। देखो इस शेयर में पता कैसे चलेगा, आपको पता आरबीएल जब भाग रहा था उसकी डिलीवरी कितनी थी, 12-13 फीसदी की। मतलब उसमें क्या था कि लोग ट्रेड के बलबूते में, इंट्राडे वगैरह ट्रेड वगैरह चल रहा था, लोग इक्विटी में कम खरीद रहे थे तो ट्रेड के बलबूते भाग रहा था। वही अगर आप देखोगे इसकी डिलीवरी भी के टाइम अच्छी, इसमें क्या है कि इक्विटी में लोग ज्यादा शेयर उठा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव संकेत है आने वाले 1-2 मतलब यहाँ पे जो वीक है इसके लिए। एंड 1 करोड़ 76 लाख अभी के टाइम आपके सेलर है एंड 60 लाख के आसपास आपके बायर नजर आ रहे हैं। मेन चीज दोस्तों बजट से उम्मीद क्या है, बजट से उम्मीद ये है कि रेलवे को जिस प्रकार पुराना बजट था उससे बड़ा के बजट मिल सकता है, क्योंकि जो आपका अंतरिम बजट आया था उसमें कोई भी बड़ी अनाउंसमेंट नहीं की गई। एंड हाल ही में आपको बताया जो आपके रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव दोस्तों, उन्होंने पहले अनाउंसमेंट कर रखा है कि 2025-30 तक यहाँ पे 25-26 तक क्या करेंगे 3,000 नई ट्रेनें दौड़ाएंगे। तो यहाँ पे और देखा जाए तो इसको लेकर भी बजट में कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हुआ तो ये शेयर यहाँ पे रॉकेट बनेगी। बट अनाउंसमेंट होने से पहले भी तेजी आ चुकी है। एंड करंटली अगर आज का चार्ट देखोगे वोलेटिलिटी हमें बहुत ज्यादा देखने को मिली है। एंड रिटेल को फुल यहाँ पे पैनिक किया जा रहा है, आप देख सकते हैं ओपन होता है फिर नेगेटिव होता है फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर यहाँ पे स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। तो ऑलमोस्ट अभी के टाइम अगर देखें तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। रिजल्ट वगैरह की बात करूँ मैं कि क्यों फर्स्ट के रिजल्ट कब देखने को मिलेंगे, दोस्तों रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे आपके इलेक्शन के बाद, क्योंकि जो पिछले लास्ट ईयर के रिजल्ट का अगर अनुमान देखें ना हम यहाँ से, तो पिछले लास्ट ईयर के जो रिजल्ट थे दोस्तों वो लास्ट ईयर क्वार्टर के 11 अगस्त को देखने को मिले थे, मतलब जो बोर्ड मीटिंग थी उसके बाद में ये रिजल्ट 11 अगस्त को ही देखने को मिले थे। ऑलमोस्ट जो आपके क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट है ये हमें नेक्स्ट मंथ अराउंड फर्स्ट वीक के आसपास रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। रिजल्ट बेटर आने की उम्मीद
देख भी कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे प्रॉफिट हर क्वार्टर इंक्रीज कर रहा है, इस क्वार्टर में इंक्रीज करेगा, यहाँ पे ये हमारे लिए प्लस पॉइंट रहेगा। देखिए दोस्तों, मैंने हर एक शेयर जैसा कि आपको बताया सब शेयरों में मोमेंटम, देखो एक बार समझो मैंने कौन कौन से शेयर बताए थे। IRFC बताया, मोमेंटम IRFC के अंदर आरबीएल बताया था, देख लो कहाँ आ चुका है। आपको इरकॉन बताया था, देख लो। आपको इरेडा भी बताया था, आज इरेडा में देख लो इरेडा ने क्या कर दिया भाई। ऑलराउंड अभी के टाइम इरेडा के अंदर हमें 14% की बड़ी तेजी देखने को मिल रही है, तो आप देख सकते हैं। तो जो भी शेयर आपको बजट के पहले मैंने बताए थे, मौका बताया था, NHPC बताया था, NHPC भी के टाइम चल चुका है, जैसा कि देखोगे कल NHPC ने ब्रेकआउट दे दिया है। तो मैंने जो शेयर यहाँ पे आपको मौका बताया था, NHPC में देख लो आज 4.5% की तेजी। तो जो शेयर आपको यहाँ पे दिए थे सब शेयर अभी के टाइम तेजी में नजर आ रहे हैं। पिछले वीडियो आप उठा के देख सकते हो, आपको मैंने क्या चीजें बताई थी, कौन कौन से शेयरों में मौका बताया था। बात करूँ IRFC की, IRFC भी के टाइम जितना आशा थी उतना नहीं चला, अब चलने वाला है। 63 का करंटली आपका RSI चल रहा है, एंड यहाँ पे देखोगे चार्ट में तो सपोर्ट के ऊपर है। मैं एक चीज फिर से बता दूं, जब तक स्टॉक 192 के ऊपर है ना, तब तक पूरे मोमेंटम की तैयारी, वो भी जबरदस्त मोमेंट, जो कि यहाँ पे वो रॉकेट वाला मोमेंटम है ना, वो 10-12% तेजी वाला, वो डेफिनेटली यहाँ पे जल्दी बनता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अभी के टाइम इसको तो अपने ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करा है, रिटेस्ट वगैरह होना था हो चुका है, अब कभी भी इस लेवल से ही बड़ा मोमेंट दे सकता है। तो फिलहाल देखो ऐसा कोई यहाँ पे सिचुएशन नहीं कि यहाँ पे स्टॉक अगेन गिर जाए, कोई नेगेटिव नहीं। मार्केट डेफिनेटली वोलेटिलिटी में, क्योंकि इनमें तेजी नहीं, तो ये यहाँ पे तेजी दिखा रहे, मार्केट भाग चुका, मार्केट थोड़ी प्रॉफिट भी दिखा रहा है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे टाइम ब्रेकआउट के ऊपर जबरदस्त तेजी की फुल्ली संगे, तो गलती नहीं करना आप, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चीजों को समझो। एंड फुल्ली यहाँ पे स्टॉक अभी के टाइम अपना ट्रेंड चेंज कर चुका है। मेन पॉइंट मेरा सेल बाय का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेल बाय करें। एंड चैनल पे नए वो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को फुल ताकि कंटिन्यू अपडेट्स।